नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अवधेश कुमार जी, जो सीपीआईएम बिहार स्टेट कमेटी के सेक्रेटरी हैं। वाम पार्टियां इस बार बिहार में 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, और वाम पार्टियों का एक बड़ा इतिहास रहा है बिहार में। वो एक बहुत ही मेजर फोर्स हुआ करती थी ग्राउंड पे। पिछले कुछ सालों में उनका परफॉर्मेंस शायद उतना अच्छा नहीं रहा है, पर जहां तक लोगों के मुद्दों को उठाने की बात है, वाम पार्टियां लगातार जमीन पे बिहार में नजर आती रही हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे अवधेश जी से। अवधेश जी, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इस बार जो वाम पार्टियां हैं, सीपीएम, सीपीआई और लिबरेशन, ये तीनों महागठबंधन का हिस्सा बनी? देखिए, प्रमुख सवाल है कि देश की जो राजनीतिक हालत है उसकी जरूरत थी बिहार में एक मजबूत गठबंधन हो जो भाजपा गठबंधन को पराजित कर सके, क्योंकि भाजपा गठबंधन की सरकार जब से दिल्ली में बनी है और नीतीश जी भी तो भाजपा के साथ ही बिहार में सरकार चला रहे हैं, तो देश की जो संविधान है उस पे खतरे बढ़ गए। देश की धर्मनिरपेक्षता की नीति पे हमले हो रहे हैं, लोकतंत्र पे हमले हो रहे हैं, और सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति, सामाजिक संगठन अगर बोलने की हिम्मत जुटाता है, डट के बोलता है, तो उसे फर्जी मुकदमों में फंसाया जाता, उसको देशद्रोही कहा जाता। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत जो है, राजनीतिक जरूरत है, भाजपा जदयू के गठबंधन को हराना। दूसरी चीजें हैं कि इस पूरे पीरियड में हम देखते हैं कि जहां तक जनता की सवाल, वो चाहे वो केंद्र सरकार की नीति हो या बिहार की नीति सरकार की नीति हो, जनता की समस्याओं को ये हल करने में यह सरकार पूरी तरह से विफल रही। हमारे बिहार की जो आबादी है उसका बड़ा हिस्सा का जीविका खेती है, कृषि प्रधान हमारा राज्य है, और खेती पूरी तरह से चौपट हो गई। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ और सुखाड़ के चलते भारी नुकसान होता है। किसान, कृषि जो उत्पाद है उसका बाजार में कोई कीमत नहीं मिलती है। इस बार ही मक्का का उत्पादन हुआ कोरोना काल में, लेकिन कोई खरीदारी ही नहीं हो सकी। यहाँ जल प्रबंधन की कोई वैज्ञानिक नीति नहीं है। यहाँ बड़ी संख्या में पशुपालक हैं, गरीब किसान, खेत मजदूर, पशुपालन भी बहुत महंगा हो गया, तो जिसके चलते खेती जो है अलाभकारी हो गई और किसान और कृषि से जुड़े हुए लोग संदरिद्र हो गए। और यह बड़ा कारण है बिहार से ग्रामीण इलाकों से पलायन का। दूसरी बात है कि जो रोजगार का सवाल है, बड़ी संख्या में बिहार के जो नौजवान है वो बेरोजगार है, चाहे वो पढ़े लिखे नौजवान हो और या जो है सो अनपढ़ ग्रामीण नौजवान वो और नीतीश सरकार या केंद्र सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के मामले में पूरी तरह से असफल साबित हुई है। केंद्र सरकार 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार देने की बात की, लेकिन वो जुमला साबित हुआ। बाद में उन्होंने कहा पकौड़ा बेचिए। उसी तरह से कोरोना काल में बड़ी संख्या में जो हमारे बिहार के मजदूर, जो एक तो पहले नीतीश जी ने कहा आप बिहार लौट नहीं सकते हो, लेकिन लोग आ गए हजार हजार किलोमीटर पैदल, सैकड़ों लोगों की जाने गई, और वो जब बहुत बिहार आ गए तब सरकार की तरफ से कहा गया जो तुम्हें जाना बाहर नहीं है, हम तुम्हें हर तरह के रोजगार देंगे, मदद करेंगे। लेकिन यहाँ मनरेगा में भी लोगों को काम नहीं मिला और कोई आर्थिक मदद नहीं मिली, जिसके चलते बहुत ही दुखी मन से, दर्दनाक स्थिति में, कोई फिर वापस दूसरे राज्य नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो जिंदा कैसे रहेंगे। तो बड़ी संख्या में जो बाहर के मजदूर जो लौट के आए थे बिहार, मजबूर होकर के फिर से उन्हें दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ा। बिहार में खुद 4.5 लाख पद रिक्त है, 4.5 लाख पद रिक्त, लेकिन एक भी पद पे कोई बहाली नहीं हो सकी। इसलिए बिहार में रोजगार का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ तक कि जो कंपटीशन में हमारे बिहार के छात्र बहुत ही मेधावी होते हैं, अच्छे रिजल्ट करते हैं, कंपटीशन में कम्पीट करते हैं, लेकिन बहुत लंबे अवधि तक रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आने के बाद उनकी बहाली नहीं होती। तो नौजवान या समझ रहे हैं कि नीतीश जी का 15 वर्ष के कार्यकाल में बेरोजगारी चरम पर है, समान काम का, समान मजदूरी का सवाल आज, और इन्होंने विरोध किया सुप्रीम कोर्ट में जाके, जहां हम नहीं दे सकते समान काम के लिए समान मजदूर। तो लाखों की संख्या में जो संविदा पर जिनका बहाल हुआ है, ठेके पे बहाल हुए हैं, वो उनकी हालत खराब है। उसी तरह से जो आंगनबाड़ी है, जो
मध्यान्ह भोजन में काम करने वाली महिलाएं हैं, जो आशा बहने हैं, इस तरह से लाखों जो लोग हैं उनको भी कोई इन्होंने कोई बढ़ोतरी नहीं किया मानदेय में, और उनकी समस्याएं जो कहता हूँ जो है सब पड़ी हुई है। तो जन मुद्दे जी अवधेश जी, यही मेरा एक्चुअली अगला सवाल होने वाला था कि अगर महागठबंधन के हम पूरे प्रचार को देखें तो एक तरफ जहां भाजपा जेडीयू का प्रचार आपका गलवान वैली आर्टिकल 370 के ऊपर है, कोविड के बारे में कोई चर्चा नहीं है, वहीं महागठबंधन का पूरा प्रचार रोजगार के बारे में है। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है क्योंकि अगर आरजेडी के पुराने इतिहास को भी देखें तो ऐसे मुद्दे उनके प्रचार में नहीं रहे हैं। तो क्या वाम पार्टियों का सीपीआईएम लिबरेशन इनका एक योगदान रहा है इन मुद्दों को फोरफ्रंट में लाने के लिए? देखिए, ये जो है सो बहुत ही विमर्श के बाद गठबंधन में वाम पार्टियां शामिल हुई और आरजेडी ने भी बड़ा गर्मजोशी के साथ वेलकम किया है। पहली बात तो मैंने कहा जो सैद्धांतिक पक्ष है, वैचारिक पक्ष है, वो है कि बीजेपी को यहाँ से सत्ता से हटाना, वो कैप्चर करना चाहते हैं, उनको हटाना चाहते हैं। और ये बात अच्छी बात हुई है कि सीपीएम सीपीआई और लिबरेशन हम लोगों से उन्होंने विमर्श किया है और एक जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम के जैसे एक परिपत्र उन्होंने जनता के सामने रखा और उसमें जो जन मुद्दे हैं रोजगार के सवाल को, तो महागठबंधन के नेता हैं, स्वाभाविक नेता हैं तेजस्वी जी, उन्होंने हम सबों के सामने ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। और उन्होंने कहा सबसे पहले तो जो रिक्त पद है उस उन पदों को बढ़ेंगे और फिर और भी रोजगार के सृजन करेंगे। ये एक पॉजिटिव कदम उन्होंने उठाया है और हम लोगों का भरोसा है महागठबंधन की सरकार बनेगी, वाम दल के भी जो लोग विधायक जीत के जाएंगे तो वहां भी सरकार को इस बात के लिए वो दबाव बनाएंगे। और बाहर में तो हम हमेशा लड़ते ही रहे हैं, तो हमको लगता है कि महागठबंधन का जो ये ऐलान हुआ है और महागठबंधन ने रोजगार के सवाल को जो आगे बढ़ाया है तो युवाओं का और बिहार की जनता का इसे जबरदस्त जो है सो समर्थन मिल रहा है। और ये इससे भाजपा घबरा गई है, इससे नीतीश जी घबरा गए हैं। तो अगर नीतीश सरकार के पिछले 15 साल को देखें और अगर आपसे कहा जाए कि उस 15 साल को आप डिस्क्राइब कीजिए तो वो क्या था? क्योंकि नीतीश का जो पूरा कैंपेन है वो इस बारे में है कि अगर नीतीश कुमार बिहार में है तो बिहार में बाहर है। देखिए, नीतीश कुमार तो इस बार उनका बाहर का जो बात था ना वो खत्म हो गया है, वो हवा नहीं चल रही है, हवा तो ये जो है महागठबंधन के पक्ष में है। क्योंकि नीतीश जी ने कहा था, हम 3 चीज उन्होंने कहा जो हम क्राइम करप्शन और कम्युनलिज्म से हम किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और जीरो टॉलरेंस की बात उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कानून अपना राज करेगा, लेकिन बिहार की जनता तो देख रही है 15 साल के उनके कार्यकाल को। अभी जहां तक क्राइम का बात है तो क्राइम तो बहुत इनका ग्राफ बढ़ गया है, आज महिलाएं पूरी तरह से असुरक्षित हैं। आपने देखा होगा लड़कियों के साथ बलात्कार की घटना, सामूहिक बलात्कार की घटना की केसेस बहुत बढ़ गई है। और अभी कानून क्या है यहाँ पे, अभी अररिया में पिछले महीनों रेप की घटना घटी और पीड़िता को ही जेल में डाल दिया गया और जो अपराधी हैं खुलेआम घूम रहे हैं। और उतना ही नहीं बल्कि बिहार के कई इलाकों में जो है सो रेप की घटना, मुजफ्फरपुर जो सुरक्षा गृह में वहां पे शेल्टर होम में जो घटना घटी बहुत ही शर्मनाक घटना घटी, और उसके जो दोषी थे जिस मिनिस्टर पे ये चार्ज आया नीतीश जी ने उसे इस्तीफा लिया, उसको इस्तीफा करना पड़ा और अभी चुनाव में उन्होंने उनको फिर टिकट दे दिया। तो क्या बताता है, ये बेटी बचाओ की जो बात करते हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, आज इसकी खुद ये धज्जियां उड़ रही है इस राज्य के अंदर। और राजनीतिक संरक्षण भाजपा कई राज्यों में उन्होंने दिया है, उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, पूरे देश में जहां भी हुआ घटना उसी तरह से सांप्रदायिक तनाव सांप्रदायिक दंगे इस बीच में जो है सो बिहार के अंदर जो है सो काफी जो है सो बढ़ी है और उसकी घटना भी काफी बढ़ी है। तो अगर आप देखिए कानून व्यवस्था के नाम पर जो है सो जो नीतीश जी कह रहे थे उसमें बात कुछ ज्यादा ही गिरावट आई है। हमें एक आंकड़ा देते हैं, अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट है 2017 में सांप्रदायिक हिंसा के मामले में 22.5% बढ़ोतरी हुई, बिहार सबसे पहले स्थान पर है। उसके बाद उसी आंकड़े में आया 163 सांप्रदायिक हिंसा में 214 लोग शिकार हुए,
तो सांप्रदायिक हिंसा का अनुपात सबसे ज्यादा है, ये किसकी देन है? नीतीश जी पूरी तरह से वो सरेंडर कर गए, आत्मसमर्पण इन्होंने कर दिया और इस तरह की प्रवृत्तियों को बढ़ने का इन्होंने मौका दे दिया है। आज रोज लूट हो रहे हैं, हत्या हो रही है, अपहरण की घटनाएं बढ़ गई है, दहेज के चलते हत्याएं हो रही है, तो अपराध का ग्राफ बिहार के अंदर बहुत बढ़ गया और अपराधी आज खुलेआम घूम रहे हैं। दूसरा चीज है जो कि ये इन्होंने कहा था करप्शन, तो करप्शन का जवाब तो ये दें, 15 साल में सृजन घोटाला आप सुने होंगे, इतना बड़ा घोटाला हुआ, 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ और बीच के दौर में इनके कार्यकाल में करीब 1 दर्जन से ज्यादा जल नल योजना घोटाला हुआ है, शौचालय घोटाला हुआ है और मनरेगा में भी घोटाला ही घोटाला है। अगर इसकी जांच हो जाए तो और इनका कलई खुल जाएगा, चेहरे पर के सामने जो पर्दा है वो पर्दा हट जाएगा। तो भ्रष्टाचार तो आज जड़ तक, आप अगर बिहार में कहीं चले जाइए ब्लॉक में, अगर जाति प्रमाण पत्र बनाना है आपको, आय प्रमाण पत्र बनाना है, जमीन का दाखिल खारिज करवाना है, बगैर रिश्वत दिए हुए, बगैर घूस दिए हुए एक भी काम नहीं हो सकता है। और ये अभी जो कोरोना काल में जो सेंटर इन्होंने बनाया बाहर से लोग आने को उसको रखने के लिए क्वारंटाइन सेंटर, उसमें भारी लूट हुई है, अव्यवस्था हद पार कर गया। वो बाढ़ वगैरह के दिनों में जो कहते हैं राहत, राहत नहीं मिलता, लेकिन वो सब पैसे की लूट होती है। तो भ्रष्टाचार तो इनके राज में बढ़ गया है, इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कुछ बोल नहीं सकते, बल्कि इन्होंने तो घुटना टेक दिया। उसी तरह से कम्युनलिज्म का सवाल है, सांप्रदायिकता का जो सवाल है, ये तो आरएसएस के सामने इन्होंने घुटना टेक दिया। आज नीतीश जी का राज नहीं चल रहा बिहार के अंदर, बल्कि राज चल रहा है भाजपा का, मतलब आरएसएस का, और आरएसएस यही चाहती है जिस तरह उत्तर प्रदेश में उन्होंने कब्जा कर लिया है उसी तरह से बिहार में कब्जा कर लेना। तो इसीलिए पूरे तौर पर यह जो है सो इस मामले में इनकी कलई खुल गई है और इसलिए जनता इनके खिलाफ है, जनता इनको सबक सिखाना चाहती है। अवधेश जी, एक एलजीपी जो पार्टी है बिहार में वो एनडीए का पार्ट हुआ करती थी, पर इस बार अभी वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि एलजेपी ये अलग चुनाव लड़ रही है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है बिहार के चुनाव पे? देखिए ये चीज सही में तो भाजपा वाले बता सकते हैं, बिहार की जनता जानती है, जो एलजेपी और भाजपा के बीच जरूर कुछ न कुछ आपसी समझ बनी थी और इसी आधार पर जो है वो बोलते भी है, पिछले दिनों राग पासवान ने कहा भी है, हालांकि आज भाजपा वाले ये बात डिनाई कर रहे हैं। हम लोग ये समझते हैं कि इसमें गेम यही है कि वो, और गृह मंत्री आए थे बिहार, तो गृह मंत्री ने कैसे कह दिया, पहले ही कह दिया, बिगड़ रिजल्ट आते ही कह दिया कि जदयू की सीटें कम भी होगी तब भी नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। इसी से आप पता चल सकता है कि उनका राजनीतिक दाव क्या है। उनका असल राजनीतिक दाव है, जो मकसद है वो यही है कि वो चाहते हैं जो कि उनका मुख्यमंत्री हो, वो अकेले सरकार बना लें, जरूरत पड़ने पर जो है सो ये जो एलजीपी है, चिराग पासवान जी हैं, इनका वो मदद लें और उस मदद के आधार पर इनकी सरकार हो जाए। तो ये है, दूसरी चीजें है कि इसके चलते एक बात तो हुई है ना, जनता में एक बड़ा विश्वास पैदा हुआ, जो महागठबंधन है पूरी तरह यूनाइट है, पूरी तरह एकताबद्ध है और लाल झंडा है इसके साथ, इसलिए एक नया भरोसा हुआ है जनता में, ये गठबंधन है जो बहुत ही मजबूत है और जनता के मुद्दों को लेकर के ये सरकार बनाना चाह रहे हैं, इसलिए बड़ा समर्थन भी मिल रहा है। लाल झंडा के आने, वामपंथियों के आने से एक नया भरोसा पैदा हुआ है और दूसरी तरफ एनडीए एक तरह से बिखरी हुई दिखाई पड़ती है, आपस में ही विरोधाभास है, एक दूसरे के खिलाफ बोलते भी हैं और दाव पेश करते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल हारा हुआ गठबंधन है इनका, ये एनडीए गठबंधन एक तरह से पराजित हो चुका है, एक तरह से ये बात वो महसूस करते हैं और उसके बदले में महागठबंधन ज्यादा मजबूत है और जनता के बीच ज्यादा वो समर्थन हासिल कर रहा है। जी अवधेश जी, अगर महागठबंधन जो है वो चुनाव जीतता है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि महागठबंधन इस समय ज्यादा मौजूद है, मजबूत स्थिति में है, तो ऐसे वाम दलों का और सीपीआईएम के ऐसे क्या मुद्दे होंगे जिसको आप कोशिश करेंगे कि महागठबंधन की जो सरकार है वो इम्प्लीमेंट करे और जनता को उससे फायदा हो? देखिए वो जनता के जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के वामपंथी दल सीपीएम हमेशा संघर्ष करती रही है, वही मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को हम चाहेंगे जब महागठबंधन की सरकार बने, तो उन मुद्दों को
प्राथमिकता में रखा जाए, जनता की समस्याओं को हल करें, ये हम जरूर चाहेंगे। और उसमें जो बिहार में मैंने शुरू में ही कहा था, यहाँ जीविका का प्रमुख साधन है खेती, तो खेती में जो संकट है उस संकट को दूर करना होगा। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का सवाल है, तो रोजगार देना पड़ेगा, रिक्त पदों पर बहाली करना है और नए रोजगार सृजन करना है, और सरकार को प्रयास करना है जो पलायन जो हो रहा है इतना, उस पलायन को कैसे हम दूर करें, इसके लिए नए नए योजना बनाने पड़ेंगे। कृषि पे आधारित उद्योग स्थापित करना, मार्केट का विकास करना, तो और दूसरी चीजें हैं जो बिहार की जो बड़ी आबादी है, वो बड़ी आबादी है जहाँ की खेत मजदूर है, गरीब किसान है, वो रोज कमाने खाने वाले लोग, मेहनत करने वाले लोग, तो आर्थिक सामाजिक रूप से कैसे मजबूत होंगे, सोशल जस्टिस का सवाल, उन्हें न्याय मिले और अमन चैन, बिहार के लोग में जो है वो शांति रहे, अमन चैन रहे, सौहार्द रहे, सांप्रदायिक सौहार्द रहे, इसके लिए सरकार जरूर जो है सो हम चाहेंगे वो प्रयास करेगी। और कानून का राज, अभी अपराधियों का राज चल रहा है, सामंती ताब के बहुत उनका मनोबल हाय है और उनके द्वारा बड़े जो है सो बर्बर तरीके से पिछले दिनों जब से नीतीश जी ने गद्दारी किया, पिछले बार वो जीते थे गठबंधन राजद और कांग्रेस के साथ गठबंधन बना के, लेकिन दो साल के बाद वो विश्वासघात किए, जनादेश के साथ विश्वासघात किए, जनता सबक सुखाएगी। और उसके बाद जब ये सरकार में आए हैं भाजपा के मदद से या भाजपा के साथ मिल करके, तब से सामंतियों का मनोबल बिहार में काफी बढ़ गया और दलितों पर, महिलाओं पर, कमजोर तबकों पर, अति पिछड़ों पर बड़े ब्रूटल अटैक में उनकी झोपड़ियों को उजारा गया, झोपड़ियों में आग लगाई गई है, उनके परिवार की बच्चियों के साथ रेप किया गया है, मारपीट की घटनाएं काफी बढ़ी है पूरे बिहार के अंदर। तो इसके चलते जो ये समस्याएं घनीभूत हुई है, तो ये चीजें हैं जो कि महागठबंधन के सामने एक प्रायोरिटी में होगा कि जो सोशल जस्टिस का जो बुनियादी समझ है, बेसिक समझ है, उस प्रिंसिपल को बिहार में वो लागू किया जाए, उसको कठोरता के साथ लागू किया जाए और लोगों को न्याय मिले, इस दिशा में महागठबंधन को करना होगा। और पीस मेंटेन हो, कोई भी, हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि ऐसे संगठन जो कि तनाव पैदा करते हैं, नफरत जो है वो पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनको चिन्हित किया जाए, उनको दंडित किया जाए और उनके ऊपर जो है सो हर तरह का कठोर कार्रवाई किया जाए। जी अवधेश जी, वाम दलों की एक बड़ी वापसी हुई है गठबंधन के तौर पे बिहार के चुनाव में, हालांकि जैसा मैंने शुरू में कहा था कि वाम दलों का जो ग्राउंड पे प्रेजेंस है वो बिहार में है ही, क्या आप इन चुनावों को वाम दलों के लिए एक रेफरेंडम मानते हैं, एक सवाल ये, और दूसरा इससे वाम दलों को बिहार में आगे और क्या फायदा हो सकता है? पहली तो फायदा जो है यह है कि ये गठबंधन अगर जीत जाती है तो जन आंदोलन बढ़ाने का एक स्कोप रहेगा, एक डेमोक्रेटिक एटमोस्फेयर होगा और हमारे जो विधायक जीतेंगे तो हम विधानसभा के अंदर भी जनता के इश्यूज को उठाएंगे और बाहर भी जन आंदोलन के द्वारा, तो ये बाहर की आवाज और अंदर की आवाज जो इकट्ठा होगी तो सरकार जरूर उसको प्रायोरिटी मिलेगी और जनता की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का एक हद तक चेष्टा किया जाएगा। तो ये सवाल है। दूसरी सवाल है, आपने ठीक कहा कि बिहार के अंदर लोग ये देखते हैं विधानसभा में कितने विधायक, बहुत लोग जो होते हैं उसी आधार पर ताकत का आकलन करते हैं, लेकिन हम लोग समझते हैं असली ताकत होती है जन आंदोलन में, खासतौर से वामपंथियों का। वो जन आंदोलन को अगर आप देखिए तो बिहार में इस पीरियड में भी, कोरोना काल में भी, सबसे ज्यादा वामपंथी दल सड़कों पर रहे, जो प्रवासी मजदूरों के साथ जो अत्याचार की घटना घटी, अब इसी चुनाव में आप देखे होंगे जो सुशील मोदी पहले ही कहे थे जो ऑनलाइन वोटिंग हो जाए, भाजपा ने पहले ही कहा था जो कि डिजिटल पद्धति से चुनाव संपन्न कराए जाए, तो वाम दल है जो मुखर विरोध किया, हम लोगों ने सड़कों पे भी विरोध किया और चुनाव आयोग को भी लिख करके दिया। तो ये जरूर है कि विधानसभा में जब जीत करके जाएंगे तो इसका एक बड़ा राजनीतिक फायदा जरूर मिलेगा और जनता में भी एक भरोसा पैदा होगी, और जनता इसलिए भी आज लेफ्ट पार्टी का जो गठबंधन हुआ है तो लोग ये समझते हैं कि ये लोग गरीबों के लिए लड़ने वाले हैं, जुल्म के खिलाफ बोलने वाले हैं, ये लोग कहीं झुकने वाले नहीं है, ये सांप्रदायिकता के खिलाफ बोलते हैं, ये सीए कानून जो बना, जो जन विरोधी कानून है, जो संविधान के खिलाफ जाती है, उसके खिलाफ ये लोग बोलते रहे हैं, ये लोग संविधान की रक्षा करने के लिए
सड़कों पे उतरते रहे हैं, तो इससे लोगों में यह है, ये लोग अगर जीत के जाएंगे तो विधानसभा एक सही डायरेक्शन में जाएगा, वहां डिस्कशन सही डायरेक्शन में जाएंगे, तो इससे कुल मिलाकर के वामपंथी ताकत और वामपंथी आंदोलन को आगे बढ़ने में एक बड़ा मौका मिलेगा। शुक्रिया अवधेश जी अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं जैसे ही चुनाव आगे बढ़ेगा और जो भी रिजल्ट होगा हम आपके पास दोबारा आएंगे इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए। धन्यवाद अवधेश जी। धन्यवाद आपको। Thank you.